Good afternoon, guys. How are you? भगवान करे सब ठीक हो घर पे, परिवार पूरा सबका ठीक रहे, अच्छा रहे। अभी चला हूँ कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करने। टाइम हुआ है 12:30 जापान के हिसाब से। धूप सुबह थी, अब नहीं है, बट टेम्परेचर इज स्टिल अराउंड 10 degrees Celsius। एंड यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो सीखने के लिए हैं जापान में। सबसे बड़ी बात है कि आपको खुद ही ये डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में करना क्या है। एजुकेशन सिस्टम यहाँ का इज़ कम्प्लीटली एज पर डिज़ाइन फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए डिज़ाइंड है। कोई प्रेशर नहीं है किसी चीज़ का, कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखानी है आपको क्लास में। ये मैं किसी को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट दिस इज़ समथिंग व्हाट माय डॉटर इज़ डूइंग। उसको जापनीज़ बिल्कुल नहीं आती, से 1%, बट स्टिल शी इज़ इंजॉइंग वट एवर शी इज़ डूइंग इन हर क्लास। इट्स मोर ऑफ अ फन रादर देन अ कंपल्सरी थिंग। गवर्नमेंट स्कूल में है वो, बट आप ऑलरेडी वीडियो में देख चुके हैं शॉर्ट्स में, गवर्नमेंट स्कूल भी आर मच बेटर देन वट वी कैन इमेजिन फॉर एनी डेवलपिंग कंट्री। यहाँ पे कई स्टोर्स हैं, इतोयोकादो है, ओके स्टोर है, और डेली रेट्स चेंज होते हैं। मोर और लेस ऑर्गेनिक फूड्स मिलते, ऑर्गेनिक प्लांट्स, ऑर्गेनिक फूड है सारा, चाहे आपको फ्रूट्स चाहिए, चाहे आपको वेजिटेबल्स चाहिए, एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक। आपको सामने रेड मार्क दिख रहा होगा, ब्लिंक कर रहा है, दैट मीन्स अभी हम लोग रोड क्रॉस नहीं कर सकते, वी हैव टू वेट फॉर द लाइट टू बी ग्रीन। अभी पूरे व्हीकल्स जिनकी ग्रीन है दे आर मूविंग, सो वी हैव टू वेट इट। वो रहा सामने, ओके, एवरीडे लो प्राइस, प्राइस ले नाउ ग्रीन, नाउ वी कैन मूव। सो यू कैन सी कोई भी आगे नहीं आएगा, एवरीबडी वेट्स फॉर देयर टर्न एंड द इंजन स्विच इज ऑफ एट द रेड लाइट। गाड़ियाँ सारी हैं यहाँ पे, BMW, मर्सिडीज एंड काफ़ी कार्स इंडियन भी हैं, इंडियन नहीं कहूँगा, पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था, जो कार्स इंडिया में हैं, स्विफ्ट है, इग्निस है, ईको यहाँ पे एवरी के नाम से चलती है, वेलफायर और एल्फार्ड बहुत फेमस हैं, वो गई हम जापनीज वर्जन ऑफ ईको। BMW की मिनी कूपर बहुत फेमस है, लॉन्गर वर्जन, हैचबैक वर्जन, कंट्रीमैन भी बहुत फेमस है। इम्पोर्टेड कार्स तो है ही, बट अगेन टोयोटा की, ये टोयोटा की टैक्सी है, दिस इज़ फ्रॉम टोयोटा, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। 2 किलोमीटर के आपके लग जाएंगे 2500-3000 गेन, वही मोटा मोटा 1800-1900 रुपये। ओला उबर नहीं है यहाँ पे दोस्त, तो या तो मेट्रो यूज़ करो या बस यूज़ करो। हम लोग आ गए हैं ओके स्टोर में, ऊपर पार्किंग है, नीचे ओके स्टोर है, एंड एंट्री इसकी दूसरी तरफ से है थोड़ा सा आगे। यहाँ की स्कूटी है गाइस, देख लो, दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द ओके स्टोर। अपन मास्केट लेंगे पहले, अब देखेंगे लिस्ट निकाल के हमने लेना चाहते हैं। ये लिस्ट है, मिल्क, बनाना, अनियन, ब्रेड, कर्ड, 250 से रीतो योगादो से सामान जो लेना है वो मैं लूँगा शनाया के साथ, क्योंकि वो अपनी पसंद से लेके आएगी। नाउ सी, दिस इज़ हाउ यू शॉप इन जापान, सारा ऑर्गेनिक फूड है, प्री पैक्ड। गाइस ये मूली है, इसको घिया मत समझना, जिस जो हमारे यहाँ 1 किलो में 3 चढ़ती हैं, यहाँ पे 2 किलो की एक है।
पोटैटोज, कौन से लें कौन से लें कौन से लें, कौन से लें कौन से लें। चलो आज वाले लेके देखते हैं। प्याज देख लो दोस्तों, इतने बड़े बड़े प्याज प्याज यहाँ से मिलते हैं। ये हैं 150 रुपये के, 250 येन यानी कि इंडियन रुपीज़ के 150। अब मुझे एक बार ये देखना है कि मुझे प्याज कौन सी लेनी है, क्योंकि एक येलो प्याज, एक पर्पल ओनियन आती है, एक ये वाइट वाली है। इंडियन टेस्ट तो हमें पर्पल ओनियन में ही मिलेगा, बाकी भाई फिलहाल तो जो मिल रहा वही ठीक है। चलो अनियन लेनी है तो अनियन अपन कौन सी लें, फिर कौन सी लें। नीली प्याज नीली प्याज नीली प्याज, पहले ट्राई करके देखें। देखा ऐसे कंफ्यूजन होती है कौन सी लें। चलो ये ले लेते हैं, ये पूरा फ्रोजन फूड है, ये पूरा फ्रोजन फूड है। दिस इज लिकर काउंटर, यू मस्ट हैव टू बी 20 इयर्स एज और ओल्डर। बच्चों को मत भेज देना भाई, नहीं तो देंगे नहीं। बस मुश्किल इतनी है लैंग्वेज की, हाँ यूज़ टू हो जाएंगे धीरे धीरे, बट लैंग्वेज तो यार लैंग्वेज है, एकदम से तो आएगी नहीं। सो ये सारी रेड वाइन्स, अच्छा जैक डैनियल्स देख लो दोस्तों, ये है 1848 येन्स। अपनी सबकी फेवरेट रेड लेबल ब्लैक लेबल, किसी को चाहिए शिवाज रिगल तो ऑर्डर कर लेना। मैंने उसमें डोल दिया, मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। अभी लेट अस सी अपने को और क्या क्या लेना था। अभी फ्रोजन पीस तो नहीं लेनी, फ्रोजन पीस तो रखी है, मास्क मैंडेटरी है भाई जापान में, मास्क आपको पहनना पड़ेगा। ये सारा ऑलिव ऑयल का काउंटर है, यदि ये अपना कुकिंग ऑयल है, अब अपन लेंगे दूध दही और एक चीज़ और थी क्या थी, अब इसमें से हमें चूज करना है दही कौन सा लेना है। अपने यहाँ भैया यही जाता है तो यही जाएगा आज भी। ये सारा फ्रोजन फूड है, वेज नॉन वेज सलामी और बीफ यहाँ पे कॉमन है। ये डिफरेंट ब्रेड्स 6 पीसीज में 8 पीसीज में, जैसे ये 6 है, 6 मीन्स 6 पीस का पैकेट है। अब आपको मैं दिखाता हूँ 5 का, ये 5 का है, 8 का भी होता है पता नहीं इन्होंने कहाँ रखा, 10 का है, बट अगेन एक चीज़ कहूँगा, नंबर ऑफ पीसेस जितने स्लाइस के ज़्यादा होंगे उतना ही स्लाइस की थिकनेस कम होगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क्स अपने को तो चाहिए, वो है ये, कितना ले लेते हैं लेने के लिए, कर लेते हैं 1 2 और ये 3, अपने 4 आइटम तो हो गए। अब देखते हैं, हाँ जूसेस वगैरह भी हैं यहाँ पे। सो बेसिकली स्टोर में आप आइए, जो भी आपको लेना आप ले सकते हैं, आपको हर चीज़ मिलती है। हाँ ब्रेड रह गई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ब्रेड अपन लेंगे, ब्रेड अपन लेंगे 6 पीसेस की, ठीक है जी। चलो अपने स्टोर की शॉपिंग तो हो गई,
अच्छा मैं आपको पीछे से भी दिखाता हूँ, ये सारा बेकरी आइटम्स हैं, फ्रोजन फूड है, अगेन बेकरी के आइटम, चॉकलेट्स, जानी पहचानी हो जाएगी चीज़ मिली यहाँ पे, वो है ट्रॉफी कॉर्न, आज रखा नहीं है बट रहता है, छोटे छोटे जाता नहीं उससे, सेल्फ डिपेंडेंट। सो गाइस जैसे स्टोर यहाँ पे बहुत है, दिस इज ओके एवरीडे लो प्राइस, चिप्स लेनी है, अगेन ओट्स, फ्रूट म्यूजली, तो लगभग सारा सामान है यहाँ पे। मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप वाइन भी, कुकिंग, आई मीन ग्रोसरी का हर चीज़, दारू के साथ चकना भी नहीं मिलेगा, मजाक कर रहा हूँ। चलो गाइस बिलिंग करा लेते हैं, और तो कुछ लिखना नहीं, बिलिंग की लाइन तो लंबी है, कहाँ जल्दी नंबर आएगा, चलो देखते हैं। डिसिप्लिन इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप देख रहे हैं सब लाइन में लगे हैं। चलो गाइस, हाँ अगेन आइसक्रीम्स, सो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही स्टोर पर सब कुछ है, अनाउंसमेंट हो रही है। चलो गाइस बिल करा के मिलता हूँ आपसे, नंबर आएगा बिलिंग का, आएगा तो गुजरेंगे। हो रही है अपनी, हर एक घंटे काम करते हैं, तो रिसेप्शन नहीं है एज की, और टोटल मिलना था 1142 येन। इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, इनफैक्ट मुझे भी नहीं आ रहा अभी तो, पर जो लिया है वो पता है क्या क्या लिया है। सो गाइस जैसे ग्रोसरी स्टोर्स बहुत हैं, एक सामने भी है ड्रग स्टोर, ड्रग स्टोर का मतलब आपको मेडिसिन मिल जाएंगी, देखो साइड में लिखा है ड्रग स्टोर, इफ यू सी, ठीक है, ये बंदा गलत सड़क पार कर रहा है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान की तरह नहीं है कि हफ्ते की सब्जी एक बार में ही खरीद लो, ज़रूरत के हिसाब से हम लोग लेके आते हैं। ये यहाँ का बस स्टैंड है, बस स्टैंड पे आपको पूरा मैप लगा हुआ है, यहाँ से कौन कौन सी किस नंबर की बस मिलेगी, ये है टोयोटा क्राउन, इसका लोगो आपने देखा होगा थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट इसलिए है क्योंकि टोयोटा का लग्जरी ब्रांड लग्जरी कार्स में आती है, आप इसको मर्सिडीज़ की एस क्लास से भी कंपेयर कर सकते हो। ये रहे पूरा रेजिडेंशियल एरिया यहाँ के, अभी विंटर है तो आफ्टर अराउंड मार्च और अप्रैल के ब्लॉसम आएगा, ये गाड़ी है मित्सुबिशी डेलिशिया, इंडिया में नहीं आती बट यहाँ बहुत फेमस है, जापान तो यार ये गाड़ियों के लिए, टोयोटा, सुजुकी, निसान, मित्सुबिशी, माजदा, पांच मेजर प्लेयर हैं गाड़ियों के, ऑल आर बेस्ड इन जापान, जो एक इकोनॉमिकल व्हीकल से लेके और एक कमर्शियल व्हीकल और स्पोर्ट्स कार भी बनाते हैं, टोयोटा की सुपरा बहुत फेमस है। ये आसपास कहीं आर्मी का बेस है तो हम लोगों को रात को भी काफ़ी हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट का साउंड आता है, बट अगेन ऐसा कुछ है नहीं, मे बी मैंने कल शायद न्यूज़पेपर में पढ़ा था या पता नहीं, आज गूगल फीड में देखा था, इंडो जापनीज एक्सरसाइज चल रही है मिलिट्री की, कंबाइंड एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड जापान आर्मी, तो यहाँ शांति रहती है काफ़ी। अपने को तो देखो यार, व्लॉगिंग नई नई शुरू की है, मे बी
वो क्वालिटीज़ कैप्चर ना हो जो एक कहते ना कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर या प्रोफेशनल यूट्यूबर करता है, बट स्टिल एवरी डे इज़ अ न्यू डे, एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद अ स्मॉल स्टेप। फिलहाल तो ले लिया सामान कन्फेक्शनरी सॉरी ग्रोसरी का, ये रहा भाई के पास। अभी अपन जा रहे हैं घर, घर जाके फिर शनाया को स्कूल से लेके आएंगे, फिर शनाया के साथ जाएंगे क्योंकि उसको कुछ सामान लेना है, एंड शनाया को जो सामान लेना है वो अपनी पसंद से लेके आएगी। सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और व्यूज़ के साथ, कुछ और डिटेल्स के साथ। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूँ, जापान मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हाँ एक चीज़ जो हमने सुना था एनिमेशन के बारे में, कार्टून्स के बारे में, एक वर्ड है इकिगाई, IKIGAI इकिगाई मींस लेट गो ऑफ बैड थिंग्स, जितना मुझे याद है, लेट मी कंफर्म इट अगेन। एंड जिमनी अभी ऑटो एक्सपो चल रहा है इंडिया में, मैं हूँ नहीं वहाँ, होता तो मैं ज़रूर अटेंड करता। जिमनी फाइनली लॉन्च हुई है 5-door वर्जन में, 1.5 liter इंजन के साथ, पेट्रोल, ऑल व्हील ड्राइव आई गेस, 4x4 नहीं है, ऑल व्हील ड्राइव है, डिफरेंस है ऑल व्हील ड्राइव में और 4x4 में। और थार भी बता रहे हैं रियर व्हील ड्राइव में लॉन्च हुई है विद अ लेस प्राइस टैग। जिमनी जापान में ऑलरेडी बहुत फेमस है, सेम इंजन स्पेसिफिकेशन, बट उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, 2-door वर्जन है, नॉट अ 4-door वर्जन, जस्ट लाइक थार। एंड जीप कंपस यहाँ पे बहुत है, रेंगलर यहाँ पे बहुत है, यूरोपियन कार्स, अमेरिकन कार्स भी बहुत है, बट हाँ मॉडिफिकेशंस की भरमार है यहाँ पे। मैं मार्केट एक्सप्लोर कर रहा हूँ फिलहाल गाड़ियों की यहाँ पे, मॉडिफिकेशंस को लेके, सेकंड हैंड कार्स को लेके। जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे टोयोटा का एक शोरूम है, वहाँ पे अगेन यार मेरे को शुरू में तो प्रॉब्लम आ ही रही है लैंग्वेज को लेके, बट थैंक्स टू गूगल ट्रांसलेटर, जो हमें समझ में नहीं आता हम लिख के पूछ लेते हैं ट्रांसलेट करवा के जापनीज में। सो सी यू गाइस, मिलता हूँ आपसे कुछ ही देर में, कुछ ही दिन में, कुछ नए व्यूज़ के साथ, कुछ नए डिटेल्स के साथ, एंड कुछ नई व्यूज़ के साथ।